नेक्स्ट एग्जाम्पल और टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। गारंटी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पार्टनर या फिर आता है या फिर कोई भी पार्टनर उनके पास होता है, किसी एक को गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की। किसकी? मिनिमम प्रॉफिट की। उनसे कहा जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलना है तो है, अगर उससे कम आपको प्रॉफिट दिया जाए मिलता है तो उसकी पेमेंट हम खुद अपने जेब से करेंगे। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, और ए और बी ने सी को गारंटी दिया गया कि आपको हर हाल में 10,000 रुपये कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। अब हुआ एक बार सी को के हिस्से में केवल 8,000 कैलकुलेट होके आ रहा है, प्रॉफिट कम हुआ होगा तो 2,000 कम पड़ गए, 2,000 ए और बी देंगे। अब ए और बी कैसे देंगे? इक्वल देंगे या ओल्ड रेशो में देंगे या फिर कोई एक पार्टनर गारंटी देगा या नहीं देगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन की कंडीशन बनता है उस इस कंडीशन को किस तरह से फुलफिल किया जाता है, उसको किस तरह से अकाउंटिंग में लाया जाता है, इस बात को हमें देखना है। इसी के लिए आपको इलस्ट्रेशन समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल है ये बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10 को बताऊंगा, जिसमें आपको गारंटी मिनिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, कि पार्टनर को जब गारंटी दिया जाता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर है, दे एडमिट राहुल, उन्होंने राहुल को नया पार्टनर रखा एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ गारंटी डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल एट लीस्ट 50,000। उन्होंने क्या कहा कि एक नया पार्टनर है कौन? राहुल। राहुल को 50,000 रुपीज का किया दे जाना है, गारंटी दिया गया कि जब भी प्रॉफिट होगा 50,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ है पार्टनर का 160,000, ठीक ना, नेट प्रॉफिट हुआ 160,000 यानी कि न्यू बिजनेस का। अब ओल्ड पर दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया ना 160,000, ये न्यू प्रॉफिट है, यानी कि इसके अनुसार राहुल के आने के बाद का, लेकिन हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो केवल दो पार्टनर का है, मोहित और रोहन। तो राहुल का रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे तभी तो बटेगा। तो राहुल का रेशियो निकालेंगे कैसे? हमारे पास राहुल का शेयर दे रखा है, राहुल का शेयर दे रखा है 1/4, ठीक है ना। अब यहां से क्या निकाला, राहुल को शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेगा, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 - 1/4 यानी कि 3/4, ठीक है, 4 बन जाए 4। अब 3/4 ही आपस में मोहित और रोहन आपस में बांट लेंगे, दैट इज शेयर ऑफ मोहित। मोहित को कितना शेयर मिलेगा? 3/4 का इनका शेयर है 2:1 यानी कि 2/3, 3 से 3 कट गया, इसकी से बचा 2/4। उसी तरह निकालेंगे शेयर ऑफ रोहन, 3/4 का रोहन का शेयर है 1/3, 3 से 3 कट गया, इसका 1/4 बचा। इसका मतलब ओवरऑल निकालेंगे मोहित रोहित एंड राहुल का शेयर निकालो, मोहित का हो गया 2/4, रोहन का हो गया 1/4 और नेक्स्ट है राहुल का हो गया 1/4। तो ओवरऑल बैलेंस आ गया 1:2:1:1, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, कहा आप डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को, प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000, तो 1,60,000 को इन तीनों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? मोहित का शेयर आ गया 1,60,000 का, इसको मिलेगा 2/4 शेयर, 4 × 4 = 16 एंड किसके हिस्से में आ जाएगा 80,000 रुपीज, राइट। मोहित के बाद आप किसका हिस्सा निकालना है? रोहन का हिस्सा निकालना है, रोहन का आ जाएगा 1/60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 यानी कि 4 × 4 = 16 = 40,000। और न्यू पार्टनर है कौन? रोहित राहुल, राहुल का भी है 1/60 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज कितना आ गया 40,000। अब इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, राहुल को गारंटी दी गई थी, राहुल को गारंटी दी गई थी 50,000 रुपीज़ की। अब राहुल को मिल रहा है 40,000, इसके अकाउंट मतलब इसमें 10,000 रुपीज़ और ऐड हो जाना है तभी जाके इसको 50,000 मिलेगा। अब बात यह है यहाँ पर गारंटी किसने दी है नहीं पता,
जब गारंटी के बारे में गारंटी दिया जाता है, लेकिन कौन दिया देता है, किस कंडीशन में, कुछ नहीं होता। इसका मतलब गारंटी मोहित और रोहन दोनों ने दी है। जब दोनों ने ही दी है, इसका मतलब 10,000 का जो डिफिशियंसी हो रहा है राहुल के अकाउंट में, वो पे करेंगे मोहित और रोहन दोनों मिलके। तो 10,000 को मोहित और रोहन के रेशियो में बांट देना है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 2:1 ओल्ड रेशियो में। तो इस रेशियो में बांट दो, ये हो जाएगा 2/3 और 1/3। तो 2 से काटेंगे, 2 3 2 3 2 3 2 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 3 9, 2 3 9, 2 3 2 3 9, तो कितना आ जाएगा। तो मोहित का है 6 6 6 और ये होगा 6, और इसका हो जाएगा 3 3 3 3। इसका मतलब होता है कि इसमें अगर हमने एक को प्लस कर दिया, क्योंकि जब भी राइट अप होता है, मतलब राउंड अप होता है, ये 1 डिजिट का गैप होता है 2 डिजिट का, उसको आपस में कर लिया जाता है। तो उनकी वन इसको हम क्या कर देते हैं, 3 3 3 4 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो डिफिशियंसी है उसमें से मोहित पे करेगा 6,666 और ये बंदा पे करेगा 3,334। चाहो तो इसमें बढ़ा दो, कहीं कहीं इसमें बढ़ा हुआ रहता है, कहीं कहीं इसमें बढ़ा रहता है, कोई फर्क नहीं था। आप चाहे इसको 7 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो, कोई फर्क, 1 रुपए का एडजस्टमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। अब इसी चीज को हमें यहाँ एंट्री करनी है। कैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा होगा प्रॉफिट, दैट इज बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हो गया 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले किसका निकालेंगे, मोहित का। अब मोहित का हिस्सा कितना आया, 80,000। ये हो गया 80,000। 80,000 से हम लेस कर देंगे, लेस डिफिशियंसी ऑफ राहुल, राहुल का, ठीक है ना, लेस शेयर ऑफ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब जो कमी था, कितना डिफिशियंसी हो रहा था, 6,666, यानी कि इस किस्से में कितना बचेगा मोहित किस्से में, माइनस को, दैट इज 4। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और इधर बचेगा 7, 73,334। इसके बाद किस्सा है, इसके बाद निकालेंगे रोहन का। रोहन का हिस्सा कितना आ रहा है, 40,000। 40,000 में से ये कितना डिफिशियंट शेयर कर रहा है, शेयर ऑफ डिफिशियंसी ये हो गया 3,334। अभी कैलकुलेट किया था हमने, ये हो गया, लेस कर देंगे तो अमाउंट बचेगा इसके पास 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, इधर बचेगा 3, 36,636। अब लास्ट में किसका निकालेंगे, न्यू पार्टनर का, दैट इज राहुल का। राहुल का हिस्सा आया कितना, 40,000, जिसमें पे कौन कर रहा है, डिफिशियंसी, जिसमें से डिफिशियंसी पेड बाई मोहित, मोहित ने पे किया 6,636, और साथ ही साथ रोहन ने पे किया अपने हिस्से में से कितना, 3,334, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका हिस्सा पूरा कंप्लीट 50,000। इसको बोलते हैं गारंटी देना। टोटल ओवरऑल हो गया 1,60,000, और इधर भी हो गया 1,60,000, ठीक है ना। जब भी किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है, उसकी हिस्से में जो भी कमी होती है, जो गारंटी देता है वो पे करता है अपने हिस्से में से माइनस करके, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 10, जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। दे एडमिट मोहन टी इन टू देयर फर्म, मोहन टी आया बिजनेस में, ठीक है, देयर फर्म में उसको शेयर दिया जा रहा है 1/6 इन प्रॉफिट। जॉन पर्सनली गारंटेड द मोहन टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। द कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज द फॉलोज 2,50,000, 2 लैख एंड 1,50,000। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 1,50,000, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारे पास गिवन है। अब हुआ ये कि जॉन और मैथ्यू पार्टनर थे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में
जॉन ने अकेले गारंटी दिया है किसको, मोहंती को। ये कहा कि आप बिजनेस में आओ, आपको कभी भी 30,000 रुपीज से कम प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो पेमेंट मैं अकेला करूंगा, लेकिन ये कैलकुलेट होगा किसके बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, उसको प्रॉफिट में से माइनस करना है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में। कैसे करेंगे, करने का तरीका तो आपको पता ही है। सबसे पहले पे यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया 1,50,000। ठीक है, कितने का प्रॉफिट आ गया, 1,50,000। अब यहाँ से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने पार्टनर हैं इंटरेस्ट के लिए, तीन पार्टनर हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम निकालेंगे जॉन का इंटरेस्ट, जॉन का कितना होगा, जॉन का कैपिटल कितना दे रखा है, 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, तो 2,50,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट गया और उधर का एक जीरो और बचा था ये, तो कितना बचा, 2,25,000। कितना बच गया, 25,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 25,000। नेक्स्ट है मैथ्यू का भी एक जीरो काट दो, कितना बचेगा, 20,000 मैथ्यू का, 20,000। और मोहंती का कितना है, 1,50,000, उसमें से 1 जीरो काट दो 10% का, दैट इज मोहंती के भी आ जाएगा। ये हो गया मोहंती का, दैट इज 15,000। ओवरऑल कितना हो गया, 2,4,5 और जैसे कह रही था 6, यानी कि 60,000। राइट, ये 60,000 का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किससे माइनस कर देना है, प्रॉफिट में से। तो हमारे पास आ गया 1,50,000 का प्रॉफिट, जिसमें से 60,000 का इंटरेस्ट चला गया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास अमाउंट बचा 90,000। इस 90,000 को तीनों में बांटना है, जॉन में, ठीक है ना, मैथ्यू में और मोहंती में। और रेशो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में 3:1, तो जॉन का हिस्सा है 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, मैथ्यू का है 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 और मोहंती का है 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। कैलकुलेट करिए, ये हो गया कितना, 6 1 6 और 3 6 5 30, 5 3 45,000 इसका हिस्सा आ गया, ठीक है ना। सेम 15 2 30, 30,000 इसका हिस्सा आ गया, और ये हो गया 15 15 बन जा 15, इसका हिस्सा आ गया। ठीक है, अब हुआ ये है कि जॉन ने मोहंती को गारंटी दिया गया था कि आपको 30,000 से कम का प्रॉफिट कभी नहीं होगा, लेकिन मिला इसको 50,000 यहाँ पर, तो इसके हिस्से में जो भी कम आया वो प्लस हो जाएगा 15,000, और किसके हिस्से में से, जॉन में से, और जॉन में से उस 15,000 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जॉन के पास बचेगा 30,000, इसके पास ऐड होके हो जाएगा 30,000, इसके सारे के पास 30 30 हो जाएगा। लिखने का तरीका कैसे होगा, इस तरह से, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बार में एक का निकालेंगे, सबसे पहले जॉन का, जॉन का हिस्सा कितना आया था, 45,000। अब 45,000 में से क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा डिफिशेंसी, लेस शेयर ऑफ डिफिशेंसी, कितना था, 15,000 लेस कर देंगे, तो नेट अमाउंट कितना बचेगा, 30,000, यानी कि जॉन के हिस्से में आएगा 30,000। ठीक है, मैथ्यू ने कुछ भी नहीं दिया, मैथ्यू का जैसा है वैसा लिख दीजिए, मैथ्यू का अमाउंट है 30,000। और तीसरे पार्टनर है हमारे कौन है, मोहंती, मोहंती के शेयर में आया 15,000 ओनली, और ये 15,000 कम पड़ रहा है वो ऊपर से ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, दैट इज रिसीव डिफिशियंसी, डिफिशियंसी जो था वो रिसीव कर लिया 15,000 का, टोटल इसके अकाउंट में भी कितना आ गया, 30,000 पूरा हो गया। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हो गया 90 और 60, 150,
इधर भी आ जाएगा कितना 150, ये ओवर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना कि किस तरह से जो हम डिफिशिएंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की। सारे मैंने क्या कहा, सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाएंगे। बारी बारी से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। इसी में कुछ क्वेश्चन डू योर सेल्फ वाले भी होंगे, वो भी कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वन बाय वन। चलिए, थैंक यू एंड बाय।